माश की दाल के साथ की रेसिपी बता रहे हैं। आप उसको पसंद आए तो उसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। एक कप माश की दाल भीगी हुई, उसमें आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच मिर्च, अदरक आधा चम्मच, अदरक आधा चम्मच, मिर्च और किसी भी खटाई और काली मिर्चें, काली मिर्चें डाल के उसको पीस लीजिए, नमक डाल के पीस लीजिए। देखिए हमने इसका पेस्ट बना दिया। ये पेस्ट हमने आपको बताया था कि कैसे बनाना है, माश की दाल उसमें काली मिर्च, खटाई, अदरक और नमक ये सब डाल के इसका पेस्ट बना लिया है। और अब वो पेस्ट हम पत्ते पे लगाने जा रहे हैं, वो आप देख लीजिए। देखिए ऐसे पत्ते पे लगा के, ऐसे पत्ते पे लगाइएगा, ऐसे नहीं। और ये जल्दी लोग बनाते नहीं हैं, ये बारिश के मौसम में अच्छा लगता है बनाना है। उसको आप सॉस से भी खा सकते हैं, चटनी से भी खा सकते हैं और बहुत अच्छा आपको पसंद आएगा ये। और जब आपको पसंद आए तो आप उसको वो करिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके ऊपर ये दूसरा पत्ता लगाया गया और उस पर भी ऐसे ही ये लगाया जाएगा। देखिए ऐसे बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत अच्छी खाने में आपको लगेगी। बच्चों को तो खासकर पसंद आती है ये सब चीज़ें। और इसको ऐसे करके फोल्ड करिएगा, और जब इसको फोल्ड करिएगा ये ऐसे करिएगा, ऐसे फोल्ड करिएगा, ये ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे फोल्ड करिएगा, फिर ऐसे धीरे धीरे फोल्ड करिएगा ताकि वो फटे ना। इस पर थोड़ा सा ये और लगा दीजिए ताकि ये पेस्ट चिपक जाए। थोड़ा सा माश की दाल का पेस्ट लगा के इसको चाहे ऐसे कर दीजिएगा। देखिए जो हमने आपको बताया था उसको हमने कई पत्तों में बना के रख दिया है। अब उसको हम फ्राई करेंगे। जब वो गोल्डन कलर के फ्राई हो जाएंगे तो उसको पकाने के लिए एक गट्ठी प्याज, धनिया, नमक, मिर्च, उसका फिर वो मसाला बनाएंगे, वो भी दिखाएंगे हम आपको। अभी हम ये आपको दिखा रहे हैं कि ये कैसे इसको ब्राउन बनाया जाएगा। तेज आंच में करा जाएगा, ये धीमी आंच में नहीं करा जाएगा, नहीं तो ये टूटने का डर है इसका। हाँ, संभाल संभाल के इसको करिएगा ताकि ये टूटे ना। देखिए ये ब्राउन होने लगे, ये जब ब्राउन हो जाएंगे इसको दोनों तरफ से ब्राउन कर लिया जाएगा। जब ये ब्राउन हो जाए तब इसको निकाल लीजिए। ये देखिए ये ऐसे निकाल लीजिए। जब ये ठंडे हो जाए, थोड़े हल्के ठंडे हों, तब आप इसको काट लीजिएगा। देखिए ये प्याज काट लिए हमने, ये प्याज हम तेल में डाल देंगे। और तेल में डालने के बाद जब ये गुलाबी ब्राउन हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें मसाला डालेंगे। मसाले में अदरक, लहसुन, धनिया, हल्दी, मिर्ची और थोड़ा सा गरम मसाला। इसको ब्राउन जब ये हो जाए तब इसमें ये सारा अदरक, लहसुन, हल्दी, धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसको भून लेंगे। एक से डेढ़ चम्मच अदरक, एक से डेढ़ चम्मच लहसुन, एक चम्मच मिर्चा सा धनिया
और स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार मिर्ची, हल्दी और थोड़ा सा एक आधा स्पून चमचा गरम मसाले, ऐसे इसके पीसेस कर लीजिए। इसके पीसेस ऐसे कर लीजिए, हल्के गुनगुने में करिएगा। ये देखिए, इसको ऐसे पीसेस कर लीजिए और करने के बाद जब वो मसाला ब्राउन हो जाए तो उसमें एक कप पानी डाल के, अभी हम करके बता रहे हैं। इसके पीसेस कर लिए हैं। अब ये देखिए, अदरक लहसुन और ये नमक ये डालना है। ये प्याज देखिए ब्राउन हो गई है, ये इसको थोड़ी देर करके, ये हल्दी धनिया मिर्ची डालना और इसको 5-10 मिनट तक भूनते रहिए जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। देखिए आज ये मसाला भून गया है, इसमें ये एक प्याला पानी डाल दिया।